चलिए यहाँ पे जो है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टू वेरिएबल वेन डायग्राम, यानी कि एसएससी के एग्जाम में अगर वेन डायग्राम के ऊपर क्वेश्चंस आता है तो उसको हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे, आज हम उस पर बात करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे टू वेरिएबल दिया हुआ है, जैसे एक क्रिकेट है और एक क्या है फुटबॉल। ठीक है, यानी कि सपोज किसी कॉलेज में कुछ स्टूडेंट्स जो है क्रिकेट खेलते हैं, कुछ स्टूडेंट फुटबॉल खेलते हैं और कुछ जो है बोथ खेलते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे भी होंगे जो ओनली क्रिकेट खेलेंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो ओनली फुटबॉल खेलते हैं। तो हम उस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग इस वेन डायग्राम में उसका जगह कहाँ कहाँ पे होगा उसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, मतलब कैसे हम लोग लोकेट करते हैं उसको है। अब मान लेते हैं कि कॉलेज में जो क्रिकेट खेलते हैं उसको हम लोग मान लिए 65%, यानी कि 65% कैंडिडेट जो है क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, इसको हम लैंग्वेज में ऐसे लिखेंगे, द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले क्रिकेट। ठीक है, इसको सेट थ्योरी में इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं एनसी से, और ये हो गया कितना 65%। और फुटबॉल को मान लेते हैं हम लोग हैं कि वो 75% लोग हैं जो कि फुटबॉल खेलते हैं, यानी कि द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हू प्ले फुटबॉल, दैट मीन्स एन एफ इज इक्वल टू 75%। ठीक है, अब देखिए किसी भी कॉलेज में टोटल क्या होते हैं 100% ही स्टूडेंट, परसेंटेज जो क्या होता है अपने आप में 100% होता है, ऐसे स्टूडेंट जो खेलते हैं वो क्या है अपने आप में 100% है। अब यहां पे हम लोग क्या किए कि 65% क्रिकेट खेलते हैं, 75% फुटबॉल खेलते हैं, दोनों को ऐड करेंगे तो 100 से क्या होगा ज्यादा होगा, यानी कि उस 100% से को माइनस कर देंगे। ठीक है, ये जो आएगा 40% साथ साथ चलो 40%। ठीक है, ये जो 40% जो आया ये द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले बोथ द गेम, दिस इज 40%। क्योंकि क्रिकेट में जो है यहां से लेके इस एरिया को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और आपका फुटबॉल में भी क्या है इस एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एरिया क्या है कॉमन है जो कि 40% के इक्विवेलेंट हो गया, जो 100% से एक्स्ट्रा है वो आपको क्रिकेट में भी आ गया फुटबॉल में भी आ गया। ठीक है, तो उसको वो क्या हो गया ये दो बार आ गया, इसीलिए क्या करेंगे कॉमन पार्ट हो गया 40%। ठीक है, अगर आपसे अगर इसका जो है ये जो लैंग्वेज में इसको हम कैसे लिखेंगे उसका लैंग्वेज देखिएगा, क्या लिखेंगे द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स who play both games, that is
क्रिकेट एज वेल एज फुटबॉल। ठीक है, और इसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एन सी इंटरसेक्शन एफ, यानी कि कितना हो जाएगा ये 40%। ठीक है, अगर आपसे पूछता है कि द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले ओनली क्रिकेट, क्या करेंगे, 65% माइनस 40%, तो ये पोर्शन आ जाएगा ये वाला। तो ये हो जाएगा आपका कितना 25%। और यहां पे कितना, अगर आपसे पूछता है द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले ओनली फुटबॉल, 75% को यहां पे कितना 40% यहां पे माइनस कर देंगे ना, तो यहां पे कितना 35% आ गया। ठीक है, यानी कि अब देखिए इसको हम लोग 100% को ऐसे भी ला सकते हैं, द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले ओनली क्रिकेट, द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले ओनली फुटबॉल, एंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले बोथ द गेम, दैट मींस 25% प्लस 35% 60% और प्लस 40% 100%। ठीक है, यहां पे जो है 100% किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल को टोटल जो है वो अपने आप में क्या है 100% है, तो उसका लैंग्वेज हम क्या लिखेंगे, द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स, द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले, यानी कि एन सी यूनियन एफ, ये क्या है 100% हो गया ये, यानी कि द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले, ऐसे स्टूडेंट जो कि क्या है खेलते हैं, तो अपने आप में 100% हो गया यहां पे। ठीक है, अब इधर ध्यान दीजिएगा, अब यहीं पे सेट थ्योरी का कॉन्सेप्ट आता है, 65% को हम क्या लिखेंगे एन सी, 75% को लिखेंगे एन एफ, 100% को लिखेंगे हम लोग एन सी यूनियन एफ। ठीक है, और 40% तो क्या हो गया कॉमन जो पार्ट है एन सी इंटरसेक्शन एफ। ठीक है, तो ये आपका हो गया। ठीक है, बता दे मुझे, अब ठीक है ना। चलिए, तो यहां पे जो सेट थ्योरी जो हो गया, सेट थ्योरी में हम लोग इस तरह से सजा देते हैं NC NF NC यूनियन F NC इंटरसेक्शन F। ठीक है, यानी कि आपको इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है, तो NC प्लस NF उसको यूनियन को मैनेज कर देंगे, अगर यूनियन फाइंड आउट करना है NC यूनियन F इज इक्वल टू NC प्लस NF माइनस NC इंटरसेक्शन F। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूला क्या है, एक ही है, और ये फॉर्मूला कहां से आया, इस कॉन्सेप्ट से आया हुआ है। अब देखिए यहां पे ये जो है वेन डायग्राम का लैंग्वेज रिप्रेजेंटेशन है, लैंग्वेज से हम रिप्रेजेंट किए, ये सेट थ्योरी रिप्रेजेंटेशन हो गया, ये उसका न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये उसका क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू है,
और इसको बोलेंगे हम लोग वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। तो ये जो अभी जो बोले पूरा सेट थ्योरी का बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया आपका, वेन टू वेरिएबल वेन डायग्राम का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर इस पे आपका कमांड है तो आप टू वेरिएबल वेन डायग्राम में किसी भी तरह का अगर क्वेश्चंस देता है तो आपको कोई परेशानी नहीं होगा। अब इसके ऊपर बेस्ड करके अब कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। चलिए यहां पे जो क्वेश्चन बोल रहा है कि इन ए स्कूल 40% ऑफ स्टूडेंट्स प्ले फुटबॉल। स्कूल में 40% स्टूडेंट्स जो है वो फुटबॉल खेलते हैं, 50% प्ले क्रिकेट। इफ 8% ऑफ द स्टूडेंट्स नाइदर प्ले फुटबॉल नॉर क्रिकेट, सॉरी 18% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि कुछ भी नहीं खेलते हैं कॉलेज में, यानी कि द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले, यानी कि यहां पे एन एफ यूनियन सी, तो टोटल जो है 100% में से 18% को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना 82%, ठीक है। हाँ मतलब 18% ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि नहीं खेलते हैं, तो टोटल कॉलेज में तो अगर परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले तो 100% 100% माइनस कितना 18%, ठीक है। तो ऐसे कैंडिडेट जो सिर्फ खेलते हैं, मतलब अब खेलने वाले में से क्या आ जाएगा, ओनली फुटबॉल ओनली क्रिकेट एंड बोथ, तो कितना आ जाएगा 82% यहां पे हो गया है, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है The percentage of students playing both, ठीक है, that means N F intersection C, ये क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। अब इसका थोड़ा अभी जस्ट एक्सप्लेन किए हम कि N F intersection C क्या होता है, N F plus N C minus N F यूनियन C, ठीक है। तो यहां पे NF का जो वैल्यू है 40% प्लस NC का वैल्यू कितना है 50% माइनस 82%, यहां पे कितना हो जाएगा आपका 40% प्लस 50% 90% और माइनस 82% कितना हो जाएगा 8%। This is the answer, ठीक है। ये तो नहीं खेलने वाला लोग था, ठीक है। यानी कि the percentage of students who play both game, that means football as well as cricket, कितना हो जाएगा 8%, यही आपका answer होगा, ठीक है। Sir? हाँ बोलिए। Union माने अच्छे पूरोटा, ताई तो माने 100% देता। हाँ हाँ हाँ। Union union का meaning हो गया कि द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले, अब उसमें आपको क्या आ जाएगा ओनली क्रिकेट ओनली फुटबॉल एज वेल एज बोथ, ठीक है। हां और इंटरसेक्शन माने ओनली बोथ टाइप, हां ओनली बोथ, अच्छा। यानी कि द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले क्रिकेट एज वेल एज फुटबॉल, ठीक है। हां ठीक है। यहाँ पे जो क्वेश्चन बोल रहा है कि इन एन एग्जामिनेशन 65% ऑफ द स्टूडेंट पास्ड इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में जो है 65% स्टूडेंट पास हो गया,
48% passed in physics. Passed in both. Mathematics intersection physics. ठीक है. How much percent of the students failed in both subject? यानी कि failed in both subject. वो आपसे पूछ रहा है. ठीक है. तो हम लोग यहां पे क्या करते हैं कि the percentage of students who passed या the percentage of students who study क्या हो जाएगा in M union P M mathematics plus M physics minus N M intersection physics. ठीक है. यहां पे आ गया 65% plus 48% माइनस 30%. ठीक है. अब इन दोनों को हटा दीजिए तो क्या बचेगा 18%. अब इसको ऐड कर दीजिए तो यहां पे कितना 5 और 8 13 का 3 कैरी 1 और 6 और 2 8 83%. यानी कि टोटल कॉलेज में 83% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि ओनली मैथमेटिक्स में पास किए हैं, ओनली फिजिक्स में पास किए हैं एंड बोथ तीनों मिला के कितना हो जाएगा 83%. यानी कि द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड, अब वो एक सब्जेक्ट में हो सकता है या दोनों सब्जेक्ट में हो सकता है. ठीक है. तो कितना हो गया 83%. तो फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट क्या करेंगे हम यहीं पे लिख दीजिए कितना 100% माइनस 83% दैट मींस 17%. दिस इज द आंसर. ओके.